ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छी बातें मैंने जीवन में देखा बहुत। मैं कहने की भाव ये है, बाबा ने एक दिन ऐसी दुनिया आएगा, हमने एक सारी दुनिया में एक ही भाषा, एक ही राज, एक ही संस्कार, ऐसी संस्कार युक्त समाज होगा, प्रकृति भी शांत होगा। अभी तो प्रकृति उत्तल पत्तल कर रहा है, दुखदायी प्रकृति है। और दुखदायी किसने किया? हम लोगों ने किया। हमको अर्थ को, मदर को मदर अर्थ कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं ना हम, परंतु मदर को क्या पिलाते हैं? विष पिलाते हैं। जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है? विष है। जितने भी केमिकल्स है विष है। मैं उसको डाल करके आज क्या हो रहा है? धरती प्रदूषण हो गया, पानी प्रदूषण हो गया, गंगा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया। परंतु बाबा कहते बच्चे आपको प्रकृति को भी पावन बनाना, प्रकृति के लिए शुभ भावना रखना, शुभ कामना था, योग बल से, योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्धिकरण कर। अब देखिए इतिहास से भी जहाँ जहाँ संत महात्मा योग किया है वहाँ आज भी शुद्ध है। आज भी उधर जाते जितनी राजा महाराजा चले गए उधर कौन देखते हैं? गटर हाउस बना हुआ, स्मशान घाट बना हुआ। परंतु क्यों? धन सत्ता, राज्य सत्ता होना चाहिए, वो उनके लिए अच्छी होना चाहिए, व्यवस्था करने के लिए, साधना करने के लिए, सेवा करने के लिए, लोगों को कल्याण करने के लिए वो होना चाहिए, परंतु वो परमानेंट चीज नहीं है। सत्यता परमानेंट है, ज्ञान परमानेंट है, शांति परमानेंट है, ये सारी शाश्वत वैल्यूज शाश्वत है। जैसे इस वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए हम जितने भी हम साधनों को यूज करते हैं, बाबा भी कहते हैं बच्चे अब कतन मन धन समय संकल्प को ईश्वरी सीमा में लगाओ, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने में लगाओ। उसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? भारत एक दैवी स्वराज बनेगा। यूज करना चाहिए, परंतु उसको मिसयूज करते हैं तो क्या होगा? अपने ही धन अपने को नुकसानदायक होते। देखिए इतिहास को भूल जाओ, बहुत बड़े लंबे इतिहास है, 5000 वर्ष का इतिहास है, उसमें भी द्वापर युग का इतिहास तो अलग है। मैं 50 साल के अंतराल की बात करता हूँ, 5-10 साल के अंतराल की बातें कहता हूँ। नीरज मोदी ने इस देश में पैसा कमाया, व्यापार किया, सब कुछ किया और देश से भगाया, भाग के चला गया। आज देश में पाँव नहीं रख सकते। जिस देश में मिट्टी में जन्म लिया, पैसा कमाया, सब कुछ कमाया, परंतु उस देश में अब चोर हो गया, इज्जत क्या गया। और मल्लिया जी जो किंगफिशर कंपनी की चेयरमैन थे, इस देश में जन्म लिया, पैसा कमाया और उन्होंने राज्यसभा का मेंबर भी बना और आज देश में पाँव नहीं रख सकते। देन पैसा ही उनको उनके गले का शराब हो गया उनके जीवन के लिए, परंतु उस देश में पाँव नहीं रह सकते। उतना ही नहीं, इसी देश की बात नहीं, विदेश की भी बात मैंने देखा। मुशर्रफ जो थे, जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं, आज भी उस देश को छोड़ करके फांसी का आर्डर मिला हुआ। उनका सत्ता उनका रक्षा नहीं कर पाया, पैसा रक्षा नहीं कर पा रहा है, परंतु उनको फांसी का आर्डर है, उस देश में पाँव नहीं रख सकते। उतना ही तक और भी बढ़कर के आर्डर है उनको, किसी भी देश में उनको मर जाए उनको 3 दिन चौराहे में लटकाना चाहिए उसके बाड़ी को, लोग समझ में आ जाए। मेरा कहने की भाव ये है, संसार में वैल्यूज जितने धारण करेगा उनका जीवन वैल्यूबल बनेगा। जो वैल्यूज को छोड़ करके दूसरी चीज़ों पर अटेंशन होगा होना चाहिए उसको। ये नहीं कहते, बाबा कहते हैं सत्युग में लक्ष्मी जैसे संपत्तवान कोई नहीं हो सकता, नारायण जैसे संपत्तवान कोई नहीं हो सकता। तो लक्ष्मी को आज भी पूजा जाता है, पूजा जाता, और भी सरस्वती जैसे शक्ति ज्ञान का आज पूजा जाता है सरस्वती को।
दुर्गा जैसे दुर्गा कोई अस्त्र शस्त्र न्यूक्लियर पॉगन व मिलिट्री वेपन लेकर के नहीं, उनका आत्मिक बल था, उसके लिए आज भी शक्ति का पूजा हम लोग करते हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनो, विल पावर बनो, मेंटल पावर, मॉरल पावर, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओ, तब तो बाबा कहते हैं ये शक्ति को बढ़ा। परंतु दूसरे बल बढ़ाने के लिए हम हर देश आज होड़ में है। किस होड़ में है? न्यूक्लियर पावर, मिलिटराइजेशन, मिलिट्री की शक्ति बढ़ाने के लिए अस्त्र शस्त्र को बढ़ा रहे, परंतु आत्मा का शक्ति बढ़ाने के कोई नहीं सोच रहे।